मुसाफिर खानों की तामीर तब्दीली सरकार का पहला मंसूबा ही इल्तबाह का शिकार। इंतजामिया को एक के बाद एक मुश्किल। लारी अड्डा बदामी बाग में अराजी का तनाजा। शहदा में मुसाफिर खाने की जगह तब्दील। रेलवे स्टेशन पर तामीर के दौरान इंतजामिया ने जाली कागजात बनाकर मेरी अराजी पर मुसाफिर खाना की तामीर शुरू कर दी। रेलवे स्टेशन के करीब 7 केनाल 16 मरले अराजी मेरी मिल्कियत है। नसरीन बीबी की सिविल कोर्ट में दरख्वास्त। अदालत ने रेलवे स्टेशन पर मुसाफिर खाना के क्याम के खिलाफ हुक्मी इम्तनाई जारी कर दिया। 4 दिसंबर को अमल दरामद रिपोर्ट तलब। इश्तेहार दें, मनादी कराएं, मंशा बम की पूरी फैमिली से कब्जे वागुजार कराएं। चीफ जस्टिस का हुक्म। 2 दिन ऑपरेशन करके बंद कर दिया, क्यों ना वजीर आला को तलब कर लें। एक मंशा बम काबू में नहीं आ रहा, यह है नए पाकिस्तान की पुलिस। शर्म आनी चाहिए पुलिस को, गालियां भी खाते हैं, बदमाशों की तरफदारी भी करते हैं। चीफ जस्टिस पुलिस पर बरहम। पुलिस ने मंशा बम से अराजी वागुजार करा ली। आईजी पंजाब का जवाब। मंशा बम मरी में था, आप उसे नहीं पकड़ सके। अदालत ने पकड़ कर हवाले किया। चीफ जस्टिस का आईजी से मुकालमा। मलिक करामत खोकर और मलिक अफजल खोकर कल तलब। मंशा बम की अदालत में हाथ जोड़कर रोते हुए रहम की अपील। इस वक्त रोना याद नहीं आया जब लोगों की जमीनों पर कब्जा करते थे। तुम्हारे लिए कभी अफजल खोकर आ जाता है, कभी कोई और। चीफ जस्टिस बरहम। पुलिस ने हर चीज लूट ली, मेरे बाप की जायदाद थी, किसी की जमीन पर कब्जा नहीं किया। मंशा बम की इल्तजा। सुप्रीम कोर्ट का डिप्टी कमिश्नर को आज ही मामलात हर करके मुतासरीन को प्लॉट देने का हुक्म। ओवरसीज के केसेस की समाअत करने वाला सिविल जज तब्दील। पूरे लाहौर का गंदा पानी पिला रहे हैं, दरिया रावी में गंदगी फेंकी जा रही है। चीफ जस्टिस के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स ना लगाने के खिलाफ केस में रिमार्क्स। हमें आए तो अभी चंद रोज हुए हैं, मियां महमूद रशीद का जवाब। आपको 10 दिन हुए या 20 रोज, मिस्टर मिनिस्टर हमें अमल दरामद चाहिए। चीफ जस्टिस का महमूद रशीद से मुकालमा। कमेटियां बनाने का मकसद ताखिर करना है, जरूरत पड़ी तो वजीर आला को बुलाएंगे। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। 5 दिसंबर को हतमी प्लान तलब कर लिया। PKLI में ऑपरेशन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर ना होने का इंकशाफ। 34 अरब का मंसूबा है और वहां इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं। डॉक्टर सईद अख्तर कहा हैं जो कहते थे कि किसी वक्त भी ऑपरेशन हो सकता है। चीफ जस्टिस का इस्तफसार। जिम्मेदारों के खिलाफ फौजदारी मुकदमा दर्ज होने चाहिए, बगैर एहतसाब के कहीं जाने नहीं देंगे। चीफ जस्टिस का डॉक्टर आमिर से मुकालमा। कहते थे कि PKLI शाहकार है, जाए तो गोदाम लगता है। जस्टिस एजाज एहसन। अलीमा खान की जायदाद करायानामे की तफसील सील बंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट में पेश। अलीमा खान ने दुबई की जायदाद जाहिर नहीं की, बाकी तमाम जायदादें एमनेस्टी स्कीम में जाहिर की। कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू का अदालत में मौकफ। अलीमा खान ने बैंक से कर्ज लेकर फ्लैट खरीदा, फिर फरोख्त कर दिया। अब क्या मामला है, चीफ जस्टिस का इस्तफसार। FBR को कार्रवाई का तमाम रिकॉर्ड पेश करने का हुक्म। इलाकाई बेंचेस की तश्कील ना होने पर पंजाब बार काउंसिल का 7 रोज तक मुकम्मल अदालती बायकॉट का ऐलान। 3 दिसंबर से 9 दिसंबर तक सुबह भर की अदालतों में कोई वकील पेश नहीं होगा। पंजाब बार काउंसिल। तनख्वाहें अदा करो, कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन मुस्तकिल करो। लेडी हेल्थ वर्कर सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा। अदालत के दरवाजे के सामने धरना दे दिया और नारेबाजी। चीफ जस्टिस से आज खुद नोटिस लेने की अपील। डबल सवारी के लिए डबल हेलमेट, आज और कल वार्निंग। 3 दिसंबर से होंगे चालान, खवातीन को भी हेलमेट पहनना होगा। साइड मिरर ना होने पर भी चालान होगा। CTO। पंजाब हुकूमत ने तब्दीली के नारे पर कितना अमल दरामद किया, वज़रा की कारकर्दगी का जायजा लेने वजीर आजम लाहौर पहुंच गए। इमरान खान और वजीर आला पंजाब की 1-on-1 मुलाकात होगी। सूबाई काबीना के इजलास की भी सदारत करेंगे।
100 रोज में 10 ट्रेनें चलाने का वादा पूरा कर दिया। 2 अरब रुपए की आमदनी बढ़ाई, 1 अरब के अखराजात कम किए। वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद, बगैर टिकट के मुसाफिर की मदद करने वाला मुलाजिम मुअत्तल करने का ऐलान। कायमा कमेटियों की तश्कील का मामला सोमवार तक लटक गया। पंजाब हुकूमत आज वजीर आजम से मुशावरत करेगी। ऑपोजिशन को सोमवार को आगाह किया जाएगा। ऑपोजिशन ने कायमा कमेटियों में शमूलियत पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप से मशरूत की थी। सेनेटर सिराजुल हक की जेर सदारत जमात इस्लामी की मरकजी मजलिस आमला का मंसूरा में इजलास। लियाकत बलोच, नायब अमरा और चारों सूबाई अमरा की शिरकत। मुल्की सूरत हाल, महंगाई के हवाले से एहतजाज की हिकमत अमली पर गौर। धर्मपुरा में तजावजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन, भारी मशीनरी और हथौड़ों से 20 दुकानों के पुख्ता थड़े और शेड मिसमार। तहसील रायवंड के मौजा, खुदपुर और मांगा उथड़ में भी ऑपरेशन। 180 कनाल सरकारी अराजी वागुजार। पेट्रोल पंप साबिक लीज होल्डर्स ने एलडीए के 1 अरब 78 करोड़ दबा लिए। सुप्रीम कोर्ट ने बकाया जात जमा करवाने की हिदायत की थी। सिर्फ बकाया जात की अदायगी वाले लीज होल्डर्स को पंप मिल सकेगा, एलडीए का नोटिस। एलडीए बिल्डिंग में आतिशबाजी के वाकये की इंक्वायरी, पंजाब अर्बन डेवलपमेंट कारपोरेशन के 3 ऑफिसर ट्रिब्यूनल के सामने पेश। आग से सिर्फ इंतजामी रिकॉर्ड जला था, जफर इकबाल, तैयब खान और नजीबुल्लाह का बयान। ट्रिब्यूनल मोहम्मद अख्तर ने जवाब मुस्तरद कर दिया। 2 रोज में तहरीरी जवाब पेश करने का हो। 4 मुकदमात में आबिद बॉक्सर की जमानत में 12 दिसंबर तक तौसी। एडिशनल सेशन जज की छुट्टी के बाइस कार्रवाई मौखर। अदालत ने आबिद बॉक्सर से मुतालिक तफ्तीशी रिपोर्ट आइंदा समाअत पर तलब कर ली। पीआईए मुलाजमीन होशियार, वक्त पर आना पड़ेगा। ताखीर हुई तो तनख्वाह कटेगी। ड्यूटी औकात सुबह 9 बजे से 5:30 बजे होंगे। हाजिरी भी टाइम मैनेजमेंट सिस्टम पर लगेगी। सर्कुलर जारी, मुसलसल गैर हाजिरी पर महकमाना कार्रवाई होगी। आपकी दुनिया, हमारी दुनिया, सबकी दुनिया, खबर की दुनिया। मौतबिर और तेज तर खबरों का जदीद नेटवर्क दुनिया न्यूज की 10वीं सालगिरह।